मिलिए इनसे भाई, सभी पानी चला रहे हैं, कुछ बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। अरे ऑटो तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मैं बस घूमने टहलने निकला हूँ और आप लोग हमारे साथ देख सकते हैं, ये हमारी बाइक है। तो आज अभी मैं मामा के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा काम है और मैं इस समय धनही और बिलारा वाले रोड पे खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जब आप इधर जाएंगे तो ये बिलारा पहुँचेंगे और जो आप इधर जाएंगे तो आपको धनी मतलब तब आप धनी पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं, बिलरवा से धनी का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर के आसपास। तो भी आप मेरे पीछे बैग देख रहे हैं, ये हमारे फ्रेंड का बैग है जो कि मुझे इसके किराना स्टोर है धनी में, तो और फिर देने के बाद मैं वहाँ के घर निकल जाऊँगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज 31 दिसंबर है और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा 1 जनवरी को, क्योंकि कल जो है न्यू ईयर है और मैं ये वीडियो ऑफिशियली न्यू ईयर विश करने के लिए मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो गाइस अभी हम धनी मार्केट में पहुँच चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, ये धनी मार्केट का जो है दक्षिण चौराहा के नाम से फेमस है। और देख लीजिए इधर भी कई सारी दुकानें जो है लगी हुई हैं और ये मेन चौराहा ही है धनी का। तो मैंने धनी चौराहा का कई सारा वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मतलब बना के दिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है न्यू ईयर को विश करना। तो आज मैं आपको धनी मार्केट पर थोड़ा बहुत ही सीन दिखाऊँगा। तो चलिए बैग अपने फ्रेंड का दे देते हैं और वहाँ का भी कुछ सीन आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल दक्षिण चौराहे पर आ चुका हूँ, ये दक्षिण चौराहा आप लोग देख लीजिए, धनी का दक्षिण चौराहा है। और मैंने अपने फ्रेंड का बैग जो है दे दिया है, वो रहा उनका किराना स्टोर और हमारे फ्रेंड का नाम है अब्दुल कलाम। तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट अपने मामा के घर। सो गाइस अभी हम अपने मामा के घर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ में देख लीजिए हमारे मामा का लड़का है, इसका नाम है अमन। तो और पीछे आपको खेत वगैरह दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ गाँव में अधिकतर खेत ही होते हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं और फिर चलिए फिर आपको घर पे मिलते हैं। तो है गाइस अभी मैं वापस अपने घर पे आ चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए हमारे चारों तरफ का सीन। इस समय मैं अपने छत पे खड़ा हुआ हूँ और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज रात 12 बजे के बाद न्यू ईयर आ जाएगा, मतलब 2023 लग जाएगा। और मतलब अब रात में तो वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि कहीं कहीं पर मतलब गाँव में हर किसी के घर में नहीं होता सेलिब्रेशन, मतलब रात में नहीं होता है, दिन में होता, तो हमारे घर में तो दिन में होगा और बाकी गांव में अधिकतर सभी लोग दिन में ही करते हैं, कोई कोई रात में ही करते हैं सेलिब्रेशन 12 बजे के बाद, और सिटीज़ में तो अक्सर 12 बजे के बाद ही करते हैं, मतलब रात में जगते हैं और पार्टी वगैरह खूब मतलब धांसू होती है वहाँ पर। तो अभी देख लीजिए आप लोग, वहाँ पर शाम हो चुका है और आज का वीडियो हम मतलब यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी कल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे आपको और स्पेशली न्यू ईयर के लिए ही बनाएंगे कल। तो उससे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दें और चलिए फिर अब कल मिलते हैं। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज दूसरी सुबह हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है, जैसा कि मैं कल वीडियो बना रहा था तो कल 31 दिसंबर था और आज 1 जनवरी है और हमारा नव वर्ष जो है आज रात 12 बजे से चालू हो चुका है 2023। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आज यानी कि 1 जनवरी को आप लोगों को न्यू ईयर विश करूंगा और मैंने कल आपको कई सारे जगहों का सीन दिखाया, जैसे कि धनी मार्केट हुआ वो सीन मैंने थोड़ा सा लिया और अपने मामा के यहाँ गया था तो वो भी सीन आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया। तो हमारे घर वालों की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोग इसी तरह मुस्कुराते रहे और आनंद लेते रहे हमारे वीडियोज का। तो बस मैंने सोचा कि आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया जाए और मेरा बस ऑफिशियल वीडियो बनाने का ही मकसद था कि आप लोगों को न्यू ईयर विश किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा भाई ठंडी हो रखी है क्योंकि आज लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और ठंडी में अक्सर यहाँ पे कोहरा रहते हैं और जनवरी में तो लगभग बहुत ज़्यादा ही मतलब ठंडी पड़ती है, तो उसी के चलते सारा जो है परिणाम देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं थोड़े देर बाद ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, अभी एडिटिंग वगैरह करनी है क्योंकि मैंने कई सारी जो है क्लिप रिकॉर्ड कर रखी है तो सारा एडिटिंग करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको कुछ और भी सीन दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं की है।
ये देखो भाई साहब, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी हो रखी है, धूप निकलने का कोई संभावना नहीं बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, और इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं, तो कोहरा मतलब ही छट नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं दोपहर तक घाम मतलब धूप निकलती है या नहीं निकलती है। तो आप लोग देख लीजिए कितना घना कोहरा है। इनसे मिलिए दोस्तों, ये हमारी गाय है, तो इनको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और कैसी हो तो आप लोग भी इनको हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए। और देख लीजिए कितने मज़े से कमरे के अंदर हैं, क्योंकि ठंडी जो बाहर है बहुत तो हो रखी है, इसलिए ये कमरे के अंदर है। तो और सब बढ़िया है, हालचाल बताइए अपना, नहीं बताओगी चलो ठीक है, गुस्सा है भाई लोग अभी। सो गाइस, अभी हम अपने मौसी के घर आ चुके हैं। हमारे मौसी का घर हमारे घर के बगल में ही है, तो आप लोग ये देख लीजिए उनके घर के बगल में कितने अच्छे अच्छे जो है फूल लगे हुए हैं। और इस फूल का नाम है, मतलब गांव में इसे गेंदा फूल कहकर बुलाते हैं। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा बादशाह का, ससुराल गेंदा फूल, तो वही है ये, आप लोग देख लीजिए। और इधर देखिए हमारे भैया जी की अपाची खड़ी हुई है। किसी दिन इसका हम माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाएंगे, पर टाइमिंग सही से नहीं मिल रही है, वरना हम बना देते। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। इधर भी फूल लगा हुआ है, ये देखिए अमन जी चाय पी रहे हैं बढ़िया से, इनकी कई चाय जो है रखी हुई है। और अमन बोलो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विश करो हमारे दर्शकों को, विश करो, नहीं बोलोगे तो दोस्तों ये गूंगा है इसलिए नहीं बोल रहा है, वैसे इसको शर्म आ रही इसलिए नहीं बोल रहा है, गूंगा नहीं है भाई लोग। क्या खा रहे हो, इधर इधर बोलो क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो अमन। इधर देखिए, इधर लहसुन वगैरह के जो पेड़ लगे हुए हैं, धनिया उनिया भी है, और नींबू के भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं प्लांट्स। और इसे अभी कहीं और रिप्लेसमेंट करेंगे, वहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे बड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो बस यही थोड़ा सा लगा हुआ है। इधर देख लो भाई लोग, यहाँ पे नींबू कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, बिल्कुल ऑरेंज कलर के हो चुके हैं, मतलब आप इसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, अभी हम अपने खेत में आए हुए हैं, और मिलिए इनसे, भाई से अभी पानी चला रहे हैं, कुछ बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। अरे हटो। तो अभी हम बस खेत में घूम रहे हैं, तो चलिए अभी अपना कुछ खेत वगैरह आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, ये देखो इधर जो हमारा ही खेत है, और इसमें गेहूँ लगे हुए हैं, अभी देख लीजिए थोड़े छोटे छोटे हैं, बट पानी चलाने के लायक हो चुका है। और आइए इधर हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, इसके अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ लिप्टिस वगैरह के जो है पौधे लगा दिए गए हैं, मतलब ये पौधे दो तीन बार लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्याही जो आती है ये पौधे उखाड़ देती हैं, तो फिर से लगाना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल इतना घेरने के बाद इस समय जो कुछ कम हुआ है, और पेड़ अभी लगे हुए हैं अच्छे से, और ये लिप्टिस का पेड़ है। और आइए इधर भी आपको दिखा दे रहे हैं, लगभग 40 से 50 पेड़ इतने सारे एरिया में लगा दिए गए हैं। और ये एक नीम का पेड़ है, और उधर भी एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, मतलब दो पेड़ लगे हुए नीम के ही हैं। और ये देख लो भाई साहब, ये स्याही नहीं किया है, देखो किस तरह से बिल्कुल इसे कितना खोदा है भाई, देखो इसका पूरा जड़ दिख रहा है ये नीम के पेड़ का। और इधर भी इसी प्रकार से इस छोटे छोटे पौधे को उखाड़ के फेंक देते थे, तो कई बार हम लोगों को लगाना पड़ा है दोबारा से। और इधर देखो भाई लोग, यहाँ पर भी शाही ने अपना करतूत दिखाया है, और सारा यहाँ पे जड़ दिखवा दिया है, देख लीजिए किस तरह से इसे खोदा है। और ये भी नीम का पेड़ है, और बाकी ये देख लीजिए यहाँ पर एक बांस का पेड़ यहाँ लगा है, और एक उधर लगा दिया गया है, और आगे भी एक पेड़ बांस का जो लगाया गया है, यह देख लीजिए यहाँ पर। और इधर लिप्टिस का पेड़, मतलब बस इतना ही जो पेड़ लगा था मैंने आपको दिखा दिया सारा, ये यहाँ पेड़ देख लीजिए। और ये एक बैर का पेड़ है, लेकिन ये बिल्कुल कट चुका है, बट अभी हरा है, आप लोग देख लीजिए कल्ले निकल रहे हैं इसमें से। और इधर जो है एक छोटी सी नदी है, मतलब लंबी नदी है वहाँ से, और वहाँ से गई है, और इसमें बरखे में पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, लेकिन यहाँ तक पानी नहीं आता है, उधर ही रहता जो पानी,
आइए आपको पानी दिखा दे रहे हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए, पानी दिख रहा होगा, थोड़ा कम पानी है लेकिन बरखे में ज़्यादा हो जाता है, वो ऐसे नॉर्मली ही रहता है थोड़ा बहुत। और उधर पीछे देख लीजिए, गन्ने वगैरह लगे हुए हैं, मतलब इधर खेत ही खेत है, गांव नहीं है दूर दूर तक। तो बस यही आपको दिखाना था। चलिए अभी वहाँ पर आगे सड़क के पास कुछ और चीज़ आपको दिखानी है, वो भी आपको दिखा दें। बाकी यहाँ पे जो हमने दरवाज़ा इसका खोला है, और हाँ दोस्तों ये सागौन का पेड़ भी लगा हुआ है, और उधर भी एक सागौन का पेड़ लगा हुआ है। दरवाज़ा यहाँ पे बंद करते हैं और फिर उधर भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सीन। इधर देखो सरसों लगा हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और उस घेरे के अंदर भी लगा हुआ है सरसों। इधर देखो इसके अंदर भी सरसों लगा हुआ है, और ये घेर दिया गया है कि इसके अंदर जो है पशु पक्षी जो है ना जाए, पक्षी तो जाएंगी सॉरी, पस ना जाए। इसलिए देख लीजिए कि मतलब यहाँ पर गाय वगैरह ऐसे छुटे रहते हैं, तो मतलब अंदर ना जाए सांड वगैरह हुए। और वहाँ पर भी लाही लगा हुआ है, मतलब काफ़ी सारा जो है लाही लाहा मिला के लगा दिया गया है, लगभग 4-5 बीघे में लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बाकी सारा जो लगाया है वो सब मतलब और सब गेहूं लगा हुआ है, और 4-5 बीघे में सिर्फ सरसों ही लगे हुए हैं। बाकी चलिए आपको अंदर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं। इधर देखो उधर थोड़ा सा पूरा रखा हुआ है, मतलब जो धान को पीट के निकालते हैं उसे पूरा कहते हैं, वो उधर साइड में लगा दिया गया है। और भाई साहब इसके अंदर आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर जो है लहसुन लगा हुआ है, और भी पालक वगैरह जो है साग वगैरह लगे हुए हैं, और वहाँ पर एक आम का वृक्ष है। चलिए अभी अंदर जाने का अगर रास्ता मतलब उधर से है रास्ता अंदर जाने का, फिर आपको अंदर से सीन दिखाते हैं। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसे खोलते हैं। चलो खुल गया, अंदर चलते हैं। तो अभी अंदर आ चुके हैं, देख लो पालक लगा है इधर, और इधर भी साग वगैरह लगे हुए हैं, इधर लहसुन लगे हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक लहसुन। और इसके अंदर मैं आपको दिखाने को बोल रहा था, ये यहाँ पे आम का जो है पौधा लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये आम के पौधे हैं। मैं इसे बहराइच से लाया था, जो कि कलम है, और ये दशहरी का है, मतलब बहुत बड़े बड़े आम होते हैं दशहरी के, तो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। मैं 2 पेड़ लेकर आया था, तो एक हमारे घर पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा दिया गया है, मतलब घर वाला पेड़ नहीं लगा था तो उसको दूसरा फिर ला के लगाए थे, बट ये वाला लग गया था पहली बार में ही। बाकी इधर आप लोग सीन देख लीजिए, और इसके चारों तरफ से एकदम बढ़िया से घेर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी पशु जो है अंदर ना आ पाए। एंड इधर भी आप लोग सीन देख लीजिए, और यहाँ पे यार गोभी लगे हुए हैं, बट बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं, देखते हैं फिर आगे चलकर ये बड़े होते या नहीं होते हैं। और इधर साग वगैरह टमाटर वगैरह लगे हुए हैं, बस ये छोटा सा बगीचा आप लोग कह सकते हैं, जिसमें सब्जी लगे हुए हैं थोड़े बहुत, और साग वगैरह भी। और उधर आप लोग देख लीजिए सरसों वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, यहाँ का वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है, मैंने सर आपको दिखा दिया है। और भी कई जगहों पर मेरे खेत हैं, पर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ठंडी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसलिए मैं अब सीधा घर जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एक आम हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, वो यही आम है, और ये भी कलम है। तो मैंने जो 2 आम के पेड़ लगाए थे, तो यहाँ वाला नहीं लगा था, तो इसको दूसरा लगाए थे, और बाकी साथ में 1-2 आम और लगे हुए हैं जो कि देसी हैं। सो गाइस वीडियो को इसी साथ एंड करते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको मतलब बहुत सारा सीन आपको दिखाया। एंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।